ये देखिए इसकी स्टफिंग, वाह भाई वाह, गजब। आलू है, मटर है, इसमें हल्के हल्के मसाले डले हुए हैं। ओहो भाई साहब, पूरी वाली, या हाँ हाँ, ये मेरे फेवरेट हैं। ये देखिए दही के साथ हम खा रहे हैं छोले समोसे, और एकदम ताज़ी ताज़ी दही इस पर लगी हुई है। ये देखिए, तो भैया आज चल रहे हैं हमारे छोले और समोसे, ऊपर से डाली गई है दही, आ हा हा हा, गाढ़ी गाढ़ी दही है। और ये देखिए सेव भी है ऊपर से, नमकीन भी है ऊपर से, आ हा। ये है चरणदास जी का समोसा, जिसे चरनी के समोसे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों गौरव, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सर, मेरे साथ आज गौरव है। गौरव जींद का रहने वाला है, पढ़ाई कर रहा है समालखा में, और गौरव बड़ा फूडी है। जब हम आ रहे थे यहाँ पे तो गौरव ने कहा कि भैया मैं घुमाऊँगा आपको पूरा जींद। गौरव कब से चरनी के समोसे खा रहे हैं ये बताओ? तो सर हार्डली 6-7 ईयर्स, 6-7 साल से। हाँ जी, आपके पापा तो पता नहीं कितने सालों से, बहुत टाइम से खा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी सर, 48 साल से लगभग ज़्यादा हो चुका है शॉप को। तो ये देखिए इनका समोसा है, आलू समोसा। वैसे तो इनके पास तरह तरह के समोसे हैं, इनके पास पनीर समोसा है, मैक्रोनी समोसा है, और ब्रेड पकौड़ा भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस समोसा है। भाई साहब पहले स्टफिंग देखिए, सौरभ जरा करीब लेके आओ, गर्म गर्म समोसा। ये देखिए इसकी स्टफिंग, वाह भाई वाह, गजब। आलू है, मटर है, इसमें हल्के हल्के मसाले डले हुए हैं। इसको टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसा ये समोसा है। पहले सुना है कि गौरव इनकी चटनी बड़ी शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये डाली इनकी चटनी इसके ऊपर, ये दिखा सौरभ, ये वाला बीच वाली, ओहो भाई साहब पूरी वाली। ये गुड़ और इमली की चटनी है, और 15 रुपये का ये समोसा है, सिंपल समोसा इनका। आगे देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अल्टीमेट टेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, मसाला नहीं है, गले में चुभ नहीं रहा। और मैं बताऊँ आपको, बड़े ही ज़्यादा माइल्ड मसालों का प्रयोग किया गया, बहुत कम तीखा खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं जींद के लोग, हैं कम खाते हैं, है ना? मतलब इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बच्चे भी बड़ा पसंद करते होंगे समोसे को। हाँ, जैसे यहाँ सारे समोसे मिलते हैं, मैक्रोनी समोसा, जैसे यंगस्टर्स तो मैक्रोनी पसंद होती है, तो मैक्रोनी समोसा यहाँ ज़्यादा खाते हैं। बहुत बढ़िया समोसा है, सिंपल समोसा है, और स्टफिंग बहुत अच्छी की गई है, हल्के हल्के मसाले हैं, और प्रॉपर तरीके से मैश किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अब भैया समोसे के अंदर पूरा का पूरा आलू डालता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से मैश किया गया है। और अब आते हैं छोले समोसे, हाँ हाँ, ये मेरे फेवरेट हैं। ये देखिए दही के साथ हम खा रहे हैं छोले समोसे, और एकदम ताज़ी ताज़ी दही इस पर लगी हुई है। ये देखिए, इसका एक अलग स्वाद है, छोले के साथ मिलके जब समोसा आप खाएंगे अलग ही टेस्ट आता है, बड़ा फ्लेवरफुल हो जाता है समोसा छोले के साथ, और दही एकदम ताज़ी है, ऊपर से नमकीन डाली गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चटनी के समोसे का जो टेस्ट है बेहतरीन है। यही वजह है कि पिछले 40 साल से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चटनी के समोसे खा रहे हैं। हम जींद जब आने वाले थे तो सबसे पहले रिकमेंडेशन यही थी। बताया आपको कि इनके पास समोसे हैं, मैक्रोनी वाले भी, पनीर वाले, और कौन सा समोसा है? क्रीम समोसा, वो भी है नहीं फिलहाल। पनीर समोसा, क्रीम समोसा, मैक्रोनी समोसा, ब्रेड पकौड़े हैं यहाँ। प्राइस पर आपको बता देता हूँ, आलू समोसा 15 रुपये, ब्रेड पकौड़ा 20 रुपये, क्रीम समोसा 20 रुपये, मैक्रोनी समोसा 20 रुपये, छोला समोसा प्लेट 30 रुपये, पनीर समोसा 20, दही समोसा 25। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये? सर पंजाबी बाज़ार मेन मार्केट में है, बिल्कुल पंजाबी बाज़ार मेन मार्केट में है। अगर आप जींद में हैं, जींद के आसपास हैं दोस्तों, यहाँ पर आकर समोसा खाना ज़रूर बनता है। और मेरे हिसाब से 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे समोसे को। जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। थैंक यू।